हेलो मित्रों, तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी मूवी की जिसमें एक लड़का अमीर लड़कियों को फंसा कर उनके साथ रंगलल्लियाँ मनाता है। कब तक वो ये सब कर पाता है, आइए देखते हैं। मूवी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मूवी की शुरुआत होती है और निक्की अपने आप से हमें इंट्रोड्यूस कराता है। वो कहता है वो बहुत स्मार्ट और तेज है, ये उसे बचपन से पता है। वो कल्पना करता है वो एक बड़ी सिटी में रहेगा और उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड भी होगी, और कहता है ये सब सच भी हुआ है। ट्विस्ट के साथ ये स्टोरी आगे बढ़ती है। उसके पास रहने के लिए घर नहीं होता, इसलिए वो अमीर लड़कियों को ढूंढता था और उन्हीं के साथ रहता था। एक रात वो क्लब में जाता है और एक लड़की को नोटिस करता है जिसके पास सारी महंगी चीज़ थी। उसका नाम समंथा होता है। निक्की समंथा के पास जाकर उसे फ्लर्ट करने लगता है। निक्की समंथा के करीब जाता है और ये एक दूसरे को किस कर लेते हैं। फिर निक्की समंथा के घर चला जाता है। निक्की हमेशा बोलता है उसके पास ऐसे बहुत सारे रूल हैं जिससे वो लड़के को हैंडल कर लेता है। आज रात वो दोनों गपा गप कर लेते हैं। सुबह समंथा निक्की को जगाती है पर निक्की जानबूझकर नहीं जागता ताकि वो यहाँ पर रह पाए। फिर समंथा को इम्प्रेस करने के लिए वो फूल मंगवाता है और कुकिंग करता है जो उसे अच्छे से नहीं आती। जब समंथा वापस घर पर आती है तो वो समंथा को स्पेशल फील करवाता है और समंथा के साथ गपा गप कर लेता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इंजॉय कर रहे थे। थोड़े दिनों बाद निक्की बोर होने लगता है। तभी समंथा निक्की से बोलती है उसे कुछ दिनों के लिए न्यूयॉर्क जाना है, क्या तुम चलोगे? निक्की मना कर देता है, कहता है उसे बाहर जाना है। समंथा को ड्रॉप करने के बाद वो पार्टी में जाता है। वहाँ उसका फ्रेंड हैरी मिलता है। निक्की हैरी को बता रहा होता है कि किस तरह लड़कियों को हैंडल करना चाहिए। तभी निक्की की एक्स गर्लफ्रेंड तमाशा करने लगती है। वो हैरी से कहता है इसे यहाँ से जल्दी लेकर जा वरना सबको मेरे बारे में पता लग जाएगा। उसके बाद निक्की एक लड़की को फंसा लेता है और उसके साथ गपा गप कर लेता है। अगले दिन समंथा का कॉल आता है और वो बताती है कि किस दिन वो वापस आने वाली है। उसी दिन वो अपनी पुरानी फ्रेंड को घर बुला लेता है। उसकी फ्रेंड निक्की को अच्छे से जानती है तो वो निक्की से कहती है अगर तुम इसी तरह करते रहे तो आने वाले 10 सालों में तुम्हारा हाल बहुत बुरा हो जाएगा। निक्की सीरियस नहीं लेता और उसके साथ गपागप कर लेता है। अगले सीन में समंथा एक दिन पहले आकर निक्की को रंगे हाथ पकड़ लेती है। निक्की सॉरी बोलता है और कहता है मैंने तुम्हारे साथ चीट नहीं किया। बातों बातों में वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो फ्रेंड विद बेनिफिट रहेंगे और गपागप कर लेते हैं। एक दिन कैफे पर निक्की को हैदर पसंद आ जाती है। वह हैदर को फंसाने की कोशिश करता है मगर हैदर नहीं फंसती। निक्की बिल दिए बिना वहाँ से चला जाता है और बिल पर अपना नंबर लिख देता है। हैदर निक्की को पता लगाती है और उसके घर जाती है। गुस्से में पैसे लेती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन निक्की हैरी के साथ हैदर को फंसाने आता है और मिलियन बनकर दिखाता है। कुछ दिनों बाद हैदर निक्की को कॉल करती है और डेट के लिए कहती है। फिर वो डेट पर लेट आती है। तभी उसका कॉल आता है जिसमें वो किसी को मंकी बोलती है। तुरंत बाद वो वहाँ से जाने लगती है। निक्की उस पर गुस्सा होता है पर वो चली जाती है। हैदर फिर निक्की को कॉल करती है। वो पूछती है क्या तुम अकेले हो? इसके तुरंत बाद वो स्विमिंग करते हुए दिखती है। निक्की उससे पूछता है तुमने उस दिन ऐसा क्यों किया और मंकी कौन है? हैदर कहती है मंकी उसका भाई है जो कि बीमार है, और रोने लगती है। निक्की को बुरा लगता है और ये दोनों गपागप कर लेते हैं। सुबह हैदर की महंगी कार देखकर निक्की समझ जाता है जैसे वो अमीर लड़कियों को फंसाता है उसी तरह हैदर भी अमीर लड़कों को फंसाती है। वो हैदर को घर से निकाल देता है। 2 दिन बाद समंथा हॉस्पिटल से प्राइवेट पार्ट की सर्जरी करवा कर वापिस आती है। निक्की उसका ध्यान कम रखता है जिससे समंथा को गुस्सा आता है। वो निक्की से लड़ने लगती है। जब भी निक्की का कॉल आता है समंथा फ़ोन को पूल में फेंक देती है और उसे घर से निकाल देती है। निक्की फुटपाथ पर रहने लगता है। फिर वो अपनी फ्रेंड के पास जाता है और उसे फुसलाने की कोशिश करता है मगर वो नहीं मानती। उसके बाद वो हैरी के पास साथ पार्टी में जाता है। पार्टी में हैरी के फ्रेंड से निक्की की लड़ाई हो जाती है जिसकी वजह से निक्की बाहर आ जाता है। फिर हैरी से भी निक्की की लड़ाई हो जाती है। एक दिन होटल में जाकर वो ग्रीस लेडी से फ्लर्ट करता है। ये सब हैदर देख लेती है। उस निक्की उस दिन के लिए
सॉरी कहता है और बोलता है, हम दोनों एक जैसे हैं, निक्की के पास खाने के पैसे नहीं होते। हैदर निक्की को अपने घर लेकर आ जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हैदर की फ्रेंड का कॉल आता है। वो हैदर को बताती है कि एक अमीर लड़का है, इसका भी ब्रेकअप हुआ है, तुम जाकर ट्राई कर सकती हो। हैदर निक्की को उसी पार्टी में ले जाती है। निक्की हैदर की हेल्प करता है उस मिलियनर को पटवाने में। पार्टी के बाद निक्की कहता है उसे जो भी पैसे मिलेंगे उसमें से उसे भी कमीशन चाहिए। हैदर उसे साफ मना कर देती है। वो घर जाते हैं तो हैदर उसे सोफे पर सोने के लिए बोलती है। थोड़ी देर बाद निक्की हैदर के पास आता है। फिर वो दोनों गपागप कर लेते हैं। हैदर निक्की के हालात समझ जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। एक बार हैदर के पास लेटर आता है जिसमें उसका बॉयफ्रेंड उसे शादी के लिए पूछता है। हैदर निक्की को बताती है कि अभी उसने उससे ब्रेकअप किया है और वो बहुत अमीर है। निक्की उससे पूछता है, तुमने उससे ब्रेकअप क्यों किया? हैदर बोलती है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस सिचुएशन में निक्की के पास कोई प्लान नहीं होता तो वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद उसको पता चलता है कि हैदर न्यूयॉर्क जा रही है। वो बहुत कोशिश करता है हैदर को रोकने की, मगर वो जा चुकी होती है। अगले दिन सामान लेते वक्त उसे उसकी फ्रेंड मिलती है जो नशे में होती है। निक्की उसे घर पर छोड़ने जाता है। इसी दौरान उसे हैदर का कॉल आता है। निक्की बोलता है, तुम वापस आ जाओ, मैं जॉब करूँगा और हम साथ में समाधान कर लेंगे। हैदर को लड़की की आवाज़ आती है तो गुस्से में वो कॉल काट देती है। निक्की को कुछ समझ नहीं आता। वो हैदर के रूममेट के पास जाता है और उससे बात करता है। वो निक्की को अच्छा आइडिया देती है। निक्की अपने दोस्त की मदद से न्यूयॉर्क पहुंच जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि हैदर बहुत बड़े घर में रह रही थी। हैदर को समझता है, मगर हैदर कहती है कि उसकी शादी हो चुकी है। निक्की उसे डिवोर्स के लिए कहता है तो हैदर कहती है, ये सब उसने अपनी मर्जी से किया है। इतने में हैदर का हस्बैंड घर आ जाता है। वो अपने हस्बैंड से कहती है, इस डिलीवरी बॉय को टिप दे दो। इन सब से निक्की बहुत हर्ट हो जाता है। वो डिसाइड करता है अब वो ईमानदारी से अपनी लाइफ जिएगा। वो डिलीवरी करने लगता है और एक दिन समंता के घर जाता है। वो एक दूसरे को ख्याल रखने के लिए कहते हैं। निक्की अपने सच्चे प्यार की उम्मीद में ढूंढने लगता है। इसी के साथ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना